सदर अस्पताल की कुव्यवस्था को हम लोग लगातार दिखाते हैं, हम यानी मीडिया वाले, लेकिन सदर अस्पताल की अच्छाई को भी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, ये शौचालय है और 6.5 लाख के लगभग 6.5 लाख की लागत, 6,30,000 की लागत से ये शौचालय का निर्माण किया गया है बेगूसराय सदर अस्पताल में। और ये पुरुष शौचालय है, ये आप देखिए, इधर पुरुष के लिए है और सामने बैनर लगा हुआ है पुरुष का, ताकि ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं हों उनको पता चले कि ये पुरुषों के लिए शौचालय है। और बड़े ही सुसज्जित ढंग से ये शौचालय बना हुआ है, डस्टबिन लगा हुआ है, बेसन लगे हुए हैं ताकि पानी नीचे ना गिरे और किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, फ्लोर पर पानी ना गिरे। और जहाँ पे पुरुष वर्ग पेशाब करते हैं वो उसमें सेंसर लगा हुआ है, यानी पानी का झंझट नहीं है, आप वहाँ से जब हटिएगा तो ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि अगर हम कुव्यवस्था को दिखाते हैं तो अच्छाई को भी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। ये बेगूसराय सदर अस्पताल का सीन है, ये टॉयलेट सीट है, हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप ये देखिए, आज इसका उद्घाटन हुआ है और एक सफाई महिला सफाई कर्मी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। 6,30,000 रुपये की लागत से ये बना है और यहाँ पे आग्रह भी लिखा हुआ है कि यह शौचालय आपका अपना है, कृपया शौचालय का उपयोग करने के उपरांत स्वच्छ एवं साफ रखने में हमारी मदद करें, क्योंकि पुनः इसका उपयोग आपके द्वारा ही किया जाना है। शौचालय के अंदर लगे हुए किसी भी सामग्री का नुकसान नहीं करें। निवेदक कौन है? तो अस्पताल प्रशासन सदर अस्पताल बेगूसराय। आज इसका उद्घाटन हुआ है, एक महिला सफाई कर्मी अनीता देवी के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है। और ठीक इसके बगल में ये देखिए महिला शौचालय है, हम अंदर नहीं जाएंगे चूँकि ये महिला शौचालय है। आप देखिए, थोड़ा सा दिखाइए, वो सामने आपको एक महिला का फोटो दिख रहा होगा, यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव देहात से आते हैं, उनको ये पता लगे कि ये महिलाओं के लिए है। और इस साइड जो वॉल पे पुरुष का फोटो लगा हुआ है, उससे लोग ये समझ सके कि ये पुरुषों के लिए है। ये दिव्यांग शौचालय है, इसकी जो बनावट है वो वेस्टर्न, देख सकते हैं आप, इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है, ताकि जो दिव्यांग लोग रहें उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो ठीक से बैठ सके। और साथ ही साथ बेसन भी लगा हुआ है। तो एक बार देखिए, फिर से हम आपको दिखाते हैं, ये पुरुष शौचालय है और जो हम लोग उजागर करते हैं खामियों को और अच्छाई को भी उजागर करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, इसलिए हम करते हैं। हालांकि आप हमें कमेंट में कुछ भी लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक बार फिर से देखिए कि ये सदर अस्पताल बेगूसराय की तस्वीर है और चकाचक ये शौचालय आपको दिख रहा है। ये डस्टबिन भी यहाँ दिया हुआ है, आप इस पे कचरा इसमें दे सकते हैं। बेसन है, पेशाब करने का, मर्दों के पेशाब करने का जगह है और उसमें भी सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ से उतरेंगे ऑटोमेटिक पानी इसमें बहने लगेगा। साथ ही ये 3 कमरे का पुरुष शौचालय में रूम बना हुआ है जिसमें टॉयलेट कर सकते हैं, और महिलाओं में भी 3 कमरे बने हुए हैं, वहाँ महिलाएं जा सकती हैं और इसमें भी बेसन लगा हुआ है। तो ये सदर अस्पताल की तस्वीर है और ये अच्छी तस्वीर है, क्योंकि स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ व्यवस्था को रखने के लिए, स्वच्छ वातावरण को रखने के लिए यह बेहद जरूरी है और ये अच्छी पहल है। हम लगातार अपडेट्स आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए सिटी टाइम 7।